शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस आज शाम करबला गामिशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस भी इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद हुआ। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से नजर व न्याज की तैयारी और तकसीम। जुलूसों की गुजरगाहों पर पानी शरबत और दूध की सबीलें लगाई गईं। आजादारों में लंगर तकसीम करने का सिलसिला जारी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर हलीम बिरयानी जरदा रोस्ट दाल चावल और पालक की देगें तैयार की गईं। सादिकाबाद में 9 मुहर्रम पर 20 साल से हलीम तैयार करने की रिवायत बरकरार। कारीगर को खसूसी तौर पर हैदराबाद से लाया जाता है। चकवाल में शहरी की तरफ से पुलाव और जर्दे की 100 से ज़ायद देगों का एहतमाम। पीटीआई पर पाबंदी पर इत्तेहादियों के तहफ़ुज़ात, क्या हुकूमत पीछे हटने लगी? नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ, फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है। 2018 का इलेक्शन चोरी करके लाडले की हुकूमत लाई गई। मौजूदा हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। वज़ीरे दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है, पाबंदी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। जावेद लतीफ कहते हैं सियासी पार्टियां मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद नहीं कर सकते। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज़े सेहत पर हमला, 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद। शहदा में 2 बच्चे और बुनियादी मरकज़े सेहत का चौकीदार शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने देही मरकज़े सेहत में घुसकर हमले पर अंधाधुंध फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने 15 और 16 जुलाई के दरमियानी शब देही मरकज़े सेहत कैरी शामुजई पर हमला किया। पीटीआई पर पाबंदी का मामला, पीपी रहनुमाओं के बयानात का सिलसिला जारी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। पीटीआई खुद को सियासी जमात साबित करे। पीटीआई अपने करतूतों की खुद जिम्मेदार है। कोई सियासी जमात अपने इदारों के खिलाफ मुहिम बरपा नहीं करती। सियासत में गलीज जुबान का इस्तेमाल पीटीआई ने शुरू किया। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक तमाम बयानात रहनुमाओं की जाती राय है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा फरतुल्ला बाबर का वफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ ट्वीट इनकी जाती राय है। फरतुल्ला का ट्वीट पार्टी पॉलिसी नहीं है। पीपल्स पार्टी तर्जुमान या मुतलका लोगों के जरिए ही मौकिफ जारी करती है। पार्टी क्यादत मुशावरत के बाद ही राय देगी। पीटीआई ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज का तकर्र नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसूली तौर पर फैसला किया। एडहॉक आज़ाद अदलिया से मुतसादम है। छुट्टियों के दौरान इकट्ठे 4 एडहॉक जजेस की तकर्री की कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे मुकदमात का बोझ कम नहीं होगा, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर समझौता होगा। रहनुमा पीटीआई सनम जावेद को फैमिली समेत के पीहाव से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सनम जावेद को मुंतकिल किया। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राब्ता किया था। पाकिस्तान में रवा माली साल मौशी तरक्की की शराह 3.5% रहने का इम्कान। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी। आलमी मईशत में इस साल 3.3% शरह नमू की पेशगोई। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद रहने का इम्कान।
मोदीज ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। महंगाई से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। टैक्सों और तवानाई निरखों से असलाहत पर दबाव का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादलों की एंट्री। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बारिश से कबल शहर में पारा 39 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी की शिदत 40 डिग्री तक महसूस की गई। दूसरी जानिब मुल्क में मानसून का नया सिस्टम। बेशतर इलाकों में होगी रिमझिम। 21 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।